नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सांखला आपका फिर से यूटर्न डिजिटल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और यहां पर जो है एक पजल सॉल्व कर रहे हैं, पजल नंबर 11, जिसमें 7 यहां पर सेमिनार दे रखे हैं दोस्तों। और इन सेमिनार के यहां पर नाम लिखे हुए हैं, ये 7 सेमिनार जो है 7 महीनों में, इसका मतलब जनवरी से लगा के जुलाई तक 7 महीनों में 7 सेमिनार होते हैं। इसका मतलब एक महीने में एक सेमिनार होता है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं 7 महीनों का नाम लिख लेता हूं। सबसे पहले जनवरी यहां पर लिख दिया, उसके बाद में फरवरी, बाद में दोस्तों मार्च, फिर उसके बाद में आता है दोस्तों अप्रैल, मई और उसके बाद में जून, और लास्ट में यहां पर जो 7वां महीना होगा दोस्तों वो जुलाई होगा यहां पर। तो यहां पर मैंने 7 सेमिनार जब दिए तो यहां पर 7 महीनों के नाम लिख लिया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। तो जनवरी से जुलाई तक ये 7 महीने यहां पर लिख लिए दोस्तों। एक टेबल यहां पर बना लेता हूं ताकि जो सेमिनार जिस महीने में होगा वहां पर उसका नाम लिख लेंगे। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें दोस्तों कि जो यहां पर फिक्स हो जाए तो यहां पर लिख लें, नहीं तो आप जो है यहां पर हिंट लिखेंगे दोस्तों। तो यहां पर हिंट जरूर लिखें, यदि बन जाए तो इस टेबल को आप पूरा कर लें, नहीं तो हिंट लिख लें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों यहां पर लिखा है एक महीने में केवल एक ही सेमिनार होता है। तो दोस्तों 7 महीने 7 सेमिनार मैंने आपको पहले ही बता दिया। सेमिनार एम और एन के बीच में केवल 2 सेमिनार होते हैं दोस्तों, एम और एन के बीच में 2 होंगे। तो यहां पर मैंने जगह लिख ली है एम और एन के बीच में, लेकिन जरूरी नहीं है कि एम पहले हो जाएगा और 2 छोड़ के एन बाद में होगा। ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये घूम भी सकते हैं। हो सकता है एन पहले हो जाए एम बाद में हो जाए, इनके बीच में 2 सेमिनार हो, एम यहां पर 2 छोड़ के एन यहां पर, एम यहां पर 2 छोड़ के एन यहां पर, या फिर एन यहां पर एम भी नीचे। तो दोस्तों यहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी है और इस पॉसिबिलिटी को जो है अभी हम नहीं बना सकते, तो इसको मैंने हिंट के तौर पे साइड में लिख लिया है। आगे इसने बोला सेमिनार एन के बाद में केवल 2 ही सेमिनार होंगे। दोस्तों यहां पर ध्यान रखें, एन के बाद में केवल 2 ही सेमिनार होने वाले हैं। एन जनवरी में लिखेंगे तो उसके बाद में 6 हो जाएंगे, एन फरवरी में लिखेंगे तो उसके बाद में 5 हो जाएंगे। दोस्तों एन यदि जुलाई में लिखा तो उसके बाद में कुछ भी नहीं होगा, इसका मतलब जो सेमिनार एन है वो मई के महीने में होगा। तो इस एन यहां पर आने के बाद में ही तो सेमिनार एन के बाद में केवल 2 ही सेमिनार होंगे। तो यहां पर एन आ गया, जो हिंट आपने साइड में लिखा था वहां पे लिखा कि एम और एन के बीच में 2 सेमिनार होंगे, एन यहां पर महीने में आ गया मई में, तो यहां पर नीचे तो एम आएगा नहीं, तो 2 छोड़ के यहीं पे एम आएगा दोस्तों। और ये जो हिंट है आपका साइड में जो पड़ा था वो आपका क्लियर हो गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिखा हुआ है कि आई और एल के बीच में केवल 3 सेमिनार होते हैं। तो दोस्तों यहां पर आई लिखा, यहां पर एल लिखा, इसके बीच में 3 सेमिनार्स होंगे, तो आई पहले होगा कि एल पहले, यहां पर फिर से डाउट आ गया। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखे हैं कि यहां पर जो जगह खाली है यहां पर थोड़ा सोच लेते हैं कि अगर आई को मैंने जनवरी में लिखा तो 3 छोड़ के एल आएगा, तो एल यहां पर 3 छोड़ के मई में आएगा, और मई में तो पहले से एन आ गया, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि आई कभी भी जनवरी में नहीं आएगा। दोस्तों फरवरी में एम आ गया तो आई आएगा नहीं। अब मार्च में देखते हैं दोस्तों, आई अगर मार्च में लिखा तो 3 छोड़ के ऊपर तो जगह नहीं है, लेकिन 3 छोड़ के एल जो है जुलाई में आ जाएगा, इसका मतलब आई मार्च में आ सकता है। आगे यदि अप्रैल में मैंने आई को लिखा तो 3 छोड़ के ऊपर भी जगह नहीं है, 3 छोड़ के नीचे भी जगह नहीं, तो आई अप्रैल महीने में भी नहीं आएगा। दोस्तों यहां पर अब एन है तो आई आएगा नहीं। यहां पर जून में अगर आपने आई लिख लिया तो 3 छोड़ के नीचे तो जाएगा नहीं एल, तो दोस्तों आई यहां पर है तो 3 छोड़ के ऊपर आएगा एल, लेकिन यहां पर एम है तो जगह नहीं है, तो आई यहां से भी कैंसिल हो गया। अब आई के लिए जगह बची दोस्तों जुलाई, आई अगर जुलाई में आया तो 3 छोड़ के ऊपर एल मार्च में आएगा। तो दोस्तों आई के लिए अब 2 जगह है, मार्च में आता है तो एल जुलाई में आता है, और आई यदि जुलाई में आता है तो मार्च में एल आता है। लेकिन यहां पर आगे की जस्ट लाइन में लिखा है कि आई जुलाई में नहीं होगा,
तो दोस्तों आई यहां पर दो जगह पे आ तो सकता था, लेकिन आई जो है यहां पर जुलाई में मना कर दिया है। इसका मतलब आई कंफर्म मार्च में आएगा और तीन छोड़ के ऊपर तो एल जाएगा नहीं, तो नीचे ही यहां पर लिखना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपका खत्म हो गया दोस्तों। आगे लिखा सेमिनार एच जो है सेमिनार के और जे के पहले होता है। दोस्तों सेमिनार एच जो है के और जे से पहले या तो ऐसे होगा कहीं यूं, या फिर सेमिनार एच जो है के और जे से पहले या तो ऐसे होगा दोस्तों। तो ध्यान रखें एच जो है वो के और जे से पहले ही कहीं होना चाहिए। अब कंफ्यूजन ये हुआ कि पहले के होगा कि पहले जे होगा, लेकिन आगे की लाइन में लिखा है सेमिनार जे जो है के बाद ही कहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये आपका सही है, इसमें आ गया सेमिनार जे जो है सेमिनार के बाद ही होगा, तो ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब के कहीं पहले एच आएगा और के बाद में कहीं जे आएगा। तो यहां पर एच है दोस्तों, इधर के और इधर जे, तो ये लाइन आपकी बिल्कुल सत्य हो गई कि सेमिनार एच जो है वो के और जे के कहीं पहले हो रहा। ये नहीं बोला तुरंत पहले दोस्तों, कहीं पहले होना चाहिए, तुरंत पहले की यहां पर जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वाला पजल जो है आपकी खत्म हो गई, बहुत ही सिंपल थी। आप पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएं, यदि समझ में आ जाए तो बना लें, नहीं तो आप हिंट के तौर पर यहां पर लिखें दोस्तों। बहुत ही आसान, आप जब तक एक फिक्स पॉइंट नहीं आता तब तक आप हिंट को ध्यान दें, यदि हिंट बनता है तो बना लें, नहीं तो साइड में लिखें। बहुत ही आसान पजल आपको समझ में आई होगी दोस्तों, मैं हमेशा यहां पर पजल लेके आता हूं। दोस्तों आप अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, आप सभी का सपोर्ट ही हमें यहां पर आगे बढ़ाएगा और अच्छे से काम यहां पर करने को प्रोत्साहित करेगा दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।